बीजेपी के लीडर मोहम्मद इकबाल मलिक साहब की अगर हम बात करें जो थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट जो है वो करने जा रहे हैं, इससे पहले की अगर हम बात करें तो काफी टाइम जो है वो बीजेपी के साथ जो है वो मुंसलिक रहे और बीजेपी ने भी मोहम्मद इकबाल मलिक साहब पे काफी जो था वो भरोसा किया, काफी जगहों पे बीजेपी की तरफ से मैंडेट चेंज भी हुआ, लेकिन थन्ना मंडी की अगर बात करें तो मलिक इकबाल साहब पे जो है काफी भरोसा रहा। और आज की अगर हम बात करें तो इस समय मलिक इकबाल साहब की तरफ से जो है वो मीटिंग हर इलाके के अंदर जो है वो शुरू की गई, आज वो मंजाकोट के अंदर। मोहम्मद इकबाल मलिक साहब हर बरादरी के लोगों के साथ जो है वो इस समय लगातार जो है वो मिल भी रहे हैं, हर जगह पे पहुंच रहे हैं, थन्ना मंडी दरहाल मंजाकोट जितना भी अर्जाइनिंग का एरिया है हर एरिया के अंदर जो है वो इस समय मोहम्मद इकबाल मलिक साहब पहुंच रहे हैं। आने वाले टाइम में क्या कुछ लोगों की तरफ से जो है वो फैसला सामने निकल कर आता है, वहीं पे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमर चौधरी हैं और उसके बाद अगर बात करें तो अलायंस के कैंडिडेट शबीर खान है और मुजफ्फर खान साहब की अगर बात करें तो वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो वो इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करने जा रहे हैं। अब आने वाले टाइम में पता चलता है जब ग्राउंड सिचुएशन जो है वो जानने की हम कोशिश भी करेंगे, मगर इस समय की अगर बात करें तो मोहम्मद इकबाल मलिक साहब जो है वो काफी सुर्खियों के अंदर इस समय थाना मंडी की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल भी रहे हैं, हर जगह पे लोगों के पास पहुंच रहे हैं और काफी काम जो है वो इन्होंने दरहाल के अंदर किया है जब से इन्होंने बीजेपी को जो है वो ज्वाइन भी किया है और इस समय काफी मेहनत जो है वो लगातार लोगों में जो है वो कर भी रहे हैं। फिलहाल दोस्तों दीजिए अपने मेजबान शोकत चौधरी को इजाजत, मिलते हैं अगली पेशकश में, खुदा हाफिज।